अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44 और मैं हूँ तिशा गुप्ता। पर्यावरण के लिए माइक्रोप्लास्टिक वैज्ञानिकों के लिए अब एक नया सिरदर्द बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मछली महासागरों की सारी गंदगी और प्रदूषण खाकर साफ कर पाए? सुनने में काफी अटपटा है, लेकिन आपको बता दें कि चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने एक रोबोट मछली बनाई है जो माइक्रोप्लास्टिक खा सकती है। जी हाँ, ये दुनिया के प्रदूषित महासागरों की सफाई में मदद कर सकती है। रोबोट मछली का विचार नया नहीं है। ये एक बायोनिक रोबोट है जो पानी में जीवित मछली के आकार और गति में होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 40 विभिन्न प्रकार की ऐसी मछलियों को विकसित किया गया है। 30 डिजाइन की ऐसी मछलियों में केवल पानी में तैरने और पलटने की क्षमता होती है। इस विशेष रोबोट मछली को दक्षिण पश्चिमी चीन की सिचुआन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाया है। ये जीवित मछलियों की तरह ही छूने में नाजुक होती हैं और इनकी लंबाई केवल 1 फीसदी 3 सेंटीमीटर या आधी इंच की ही होती है। इनके अंदर एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे वे माइक्रोप्लास्टिक खा सकती हैं। शोधकर्ताओं ने पहले ही इन मछलियों का परीक्षण कर लिया था। ये माइक्रोप्लास्टिक को हटाने में काफी सफल साबित हुई है। ये मछलियां माइक्रोप्लास्टिक को अवशोषित कर ऊपरी पानी में ही रखती हैं, ताकि माइक्रोप्लास्टिक महासागरों की गहराइयों में न चला जाए। ये मछलियां बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक को खा सकती हैं। ये मछलियां प्लास्टिक जमा करने के साथ ही समुद्री प्रदूषण की विश्लेषण संबंधी बहुत जानकारियां भी उपलब्ध करा सकती हैं। इन मछलियों को पानी के बाहर से भी नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे वे किसी दूसरी बड़ी मछली या जहाज से ना टकराएं। यदि कोई जीव अनजाने में इन मछलियों को खा जाए तो इन्हें आसानी से पचाया भी जा सकता है, क्योंकि इनका शरीर पॉलीयूरीथेन से बना होता है। इस लिहाज से ये मछलियां पर्यावरण से अनुकूल भी हैं। बड़ी संख्या में इनका उपयोग एक दिन महासागरों को माइक्रोप्लास्टिक से मुक्त करा सकता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज 44 के साथ। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।